गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको हैप्पी दिवाली। तो हम लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और फिर पूजा भी कंप्लीट हो चुका है गाइज। तो यहाँ पे पूरे फैमिली मिलके हम लोग आरती की, पूजा कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी हम पूरे तरीके से रेडी नहीं हुए थे क्योंकि हमेशा की तरह मेरा आधा अधूरा हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे जो श्वेता को गाइड कर रहे थे पूजा के लिए भी, और इसके बाद आप देखिएगा शाम के टाइम था, पापा हमारे ढोलक बजा रहे थे गाना के साथ। मैं सेम से मुझे ग्रीन कलर, पता नहीं इस बार कान्हा जी का मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो कान्हा जी को और मैं लक्ष्मी जी को और गणेश जी को मैं सेम सेम ड्रेस लाई थी कि मतलब मुझे ग्रीन इस बार चाहिए, क्योंकि रानी पिंक भी पहनी है, हाँ रानी भी पहनी है, येलो रेड मैरून ये सब सारा कलर पहन चुकी थी। मैं बोली कि नहीं इस बार मैं ये लाऊंगी, ब्लू भी पहनी है। तो गाइस पापा हमारे बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं और इनको भी थोड़ा ये सब चीज़ों में एक्टिविटी में मन लगता है, तो ये बोले पिताजी हम गाना बजाते हैं आप उस पर ढोलक बजाइएगा। तो लास्ट मोमेंट में हम रिकॉर्ड किए थे, उसके बाद पूजा में लग गए हैं और यहाँ पे फिर मैं पूरे घर के डेकोरेट करने लगी दिए के लिए। और हमारे घर में इस बार पूजा से पहले ही पटाखा इन लोग छोड़ने चले गए थे, ये और गुग्गू इतना ज़्यादा इस बार पटाखा छोड़े थे, और गुग्गू भी अब बड़ा हो गया। गाइस नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी दिया मत लेना जिसमें कैंडल पहले से ऑलरेडी जमाया हुआ। हम लोग ये रंगोली के लिए लिए थे लेकिन ये थोड़ा सा जल रहा है, उसके बाद ख़त्म हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल बकवास है। नेक्स्ट टाइम से कोई ये मत करना। अब ऐसे जलने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। हम आपको अपना घर का टूक देते हैं आज का डेकोरेशन का, श्वेता का मेहनत। मेरा कोई वेलकम भी नहीं कर रहा है। ये हमारे घर का जिससे सबको मन लगता है, टिल्लू भी खेलता है, कुकू लाडो भी खेलता है, मुझे ग्रीन वाली सबसे प्यारी लगती है, बहुत अच्छे से दिखता भी है वो। चलो जब घर में आ गए उसके बाद मेरा वेलकम कर रही है, आइए गाय जाइए। टिल्लू सो गया, हाँ टिल्लू सो गया। टिल्लू घर को पूजा करवाना है लाडो से, लाडो का ये पटाखा छोड़ने पापा के साथ, तो ये भी घर का, वो इसका बर्तन रखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी उसका मैं वेट कर रही हूँ। तो छत पे ही हम लोग जाएंगे, पटाखा छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर छुपाएंगे। छोटी छोटी सी बर्तन बहुत प्यारा लगता है मेरे को, ये है जाता, ये बर्तन शुभ घर आंदा बोलते हैं, ये पूजा होगा इसका मालकिन। जो बहुत देर से नजर है मम्मी, वो पटाखा छोड़ा बहुत सारा, मजा आया, मजा आया। लाडो लाडो तुम भी छोड़े, लाडो तुम तो छोड़ने, अरे ये तो बीड़ी बम। मैं तो ये छोड़ूंगी, छोटी थोड़ा ठीक से, क्या छोड़ रही हो? अरे वो रस्सी बीच से खोल दो, पता नहीं बम छोड़ रही है, क्या छोड़ रही है, बम ही है। ए साड़ी पहन के तुम बम बम नहीं छोड़ो, बता दे रहे हैं इसमें दम है सिर्फ, क्या पॉपर्ट छोड़ने के लिए, क्या नाम है उसका, अरे उसका नाम क्या है, मैं भूल रही हूँ उसका नाम क्या है बताना, पॉप अप, हाँ मैं भूल जाती हूँ बार बार, वो बस छोड़ती है।
अरे छोड़ दो। उसका ये दिवाली चल रहा है, बच्चों वाला दिवाली। वाह देखो कुकु छोड़ दिया, देखो कुकु पूरा मजा कर रहा है। मैं तो रखी हूँ, देखो गाइस ये लड़की सिर्फ बम छोड़ रही है। जब मैं बोल रही हूँ क्या बम छोड़ रही है तो बोल रही है कि 2 साल से छोड़े नहीं है बम, मुझे पटाखा छोड़ना है। अरे यार ये तो ऐसी रही। मुझे तो लगा था कि नीचे गिर जाएगा लेकिन ये लास्टली चला गया। ये देखो तुम्हारे में 3 घंटा हो गया फिर भी तुम बोल रहे हो कि दिवाली मनाने नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा तुम दिवाली मनाए हो, कौन मनाया सबसे ज्यादा? गुगो गुगो कौन मनाया सबसे ज्यादा? हाँ तो फिर कैसे? चलो छोड़ो, नहीं चला, नहीं चला, हाँ चलो ना छोड़ो ना तुम। हैप्पी दिवाली गाइस, लाडो को लग गया है भूख क्योंकि 3 घंटा से ऊपर हो गया इसको मतलब पटाखा फोड़ते हुए। इसको बोल रही हूँ जाने के लिए नहीं जा रही है, तो चलो इसको मैं छोड़ के आती हूँ फिर थोड़ी देर में। नहीं चलो 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 जी, यहाँ पिलाडो को लगा था भूख, ये आते ही खाना चालू करो जल्दी से, जल्दी जल्दी खाओ। गर्म है, मैं खिला दूँ? ठीक है जी। यहाँ पे लाडो और गुगू से मतलब गुगू बोला कि मैं भी पूजा करूँगा, तो लाडो यहाँ पे अपने घरौंदा को पूजा कर रही थी उसके साथ। वो भी अगर उसको नहीं करने देते तो दोनों में झगड़ा हो जाता, क्योंकि अब दोनों थोड़ा बड़े हो गए हैं ना, तो दोनों में हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है। और इन लोग अब गुगू हर चीज़ को इंजॉय भी करने लगा है, गुगू लाडो, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही थोड़ा सा नॉइज को इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी बहुत लेट से हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो हर चीज़ हर फेस्टिवल इन लोग इंजॉय करता है तो अच्छा लगता है। वाह ये लाडो पूजा कर रही है अपना। हाँ वहाँ पे सही सही है, सही है। लेकिन गुगू कुछ ही बोलती हूँ सुनता नहीं है। और यहाँ पे लाडो थोड़ा सा डांटने पे सुन भी जाती है लेकिन गुगू सुनता नहीं है, इसका वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए दिवाली तो हम लोग का बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन छठ पूजा में अभी हम एडिट कर रहे हैं इस वीडियो को। छठ पूजा में इसको चोट लग गया है काफ़ी ज़्यादा, और ये आए हुए हैं अभी अपने घर पे, दादी घर। तो इसको दिखाएंगे छठ पूजा का व्लॉग, आप डालेंगे कल या शाम में कोशिश करेंगे, क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको चोट लग गया है, प्रॉब्लम हो गया है। तो कोई बात नहीं, अपना एंजॉय तो करने लगा है लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठ रहा है, अभी भी उसका वही काम चल रहा है। सोच रही हूँ कि इसको इतना चोट भी जो लगा है वो सही हुआ इसके लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इससे इसको थोड़ा सबक मिलेगा। तो कोई चीज़ दिखने को मिलेगा छठ पूजा वाले ब्लॉक में, तो आप लोग इन्जॉय करिएगा। और गुगु लाडो अब बड़ा हो गया है तो अब थोड़ा गांव पे भी इन्जॉय करता है इन लोग। हम लोग आए हैं नीचे हल्का मचाने के लिए, टाइम हो रहा है 1 मतलब 12:30 हो गया है, तो कुछ नहीं बस थोड़ा सा रील शूट करेंगे उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। गाइस तो अब आ गए हैं घर, रील शूट हो गया था लेकिन ये कांड हो गया मेरे यार, टूट गया। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इन्जॉय किया। गुगू तो इस टाइम इतना इन्जॉय किया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, वो थोड़ा सा मना करने में भी बोल रहा था कि मेरे को
पटाखा मतलब छोड़ रहा था हम लोग बना कर, तो बोलते मुझे दिवाली इंजॉय नहीं कर दोगे क्या तुम लोग? तो बहुत ही ज़्यादा वो इस बार इंजॉय किया, बहुत सारा वो पटाखा छोड़ा इस बार, मतलब 3-3.5 घंटा उन लोग छत पे आज रहा है। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे डर लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी से सब चीज़ करना पड़ता है, लेकिन अब छोड़ना है तो छोड़ना है, बच्चे लोग कितना मना कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से छोड़ा उन लोग बच्चे की सेफ्टी से, हम लोग ध्यान रख के सब लोग लगे हुए थे उस पर, और उसके बाद फिर नीचे आए। लेकिन छोटी का बाबू का तबियत ठीक नहीं था, उसमें ज़्यादा इंजॉय नहीं की, 2 साल बाद पटाखा छोड़ने नहीं गई, लेकिन वो थोड़ा देर छोड़ी उसके बाद फिर आ गई, क्योंकि बाबू रोने लगा, उसका तबियत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत जल्दी जल्दी उसकी तबियत खराब होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी। तो चलिए अच्छा रहा दिवाली हम लोग का, बाबू अगर ठीक रहता तो आप भी इंजॉय करता, वो भी देखता सब कुछ, उसका फ़ोटो भी क्लिक नहीं हो पाया बेचारे का, थोड़ा देर कपड़ा पहना फिर रोने लगा। कल तो बहुत इंजॉय किया था वो, क्योंकि तबियत ख़राब था, लेकिन फिर भी हम लोग, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा उसका है तो इंजॉय उतना नहीं कर पाया वो बिल्कुल, फ़ोटो भी उसका क्लिक नहीं हो पाया, बस एक है थोड़ा सा। तो जल्दी से हमारा बाबू ठीक हो जाए, उसके बाद उसको फ़ोटोशूट करेंगे। और चलिए आप लोग को भी दिवाली अच्छा से गया होगा सब लोग को, और अभी सीजन चेंज हो रहा है तो बच्चे लोगों को सबको तबियत ख़राब हो रहा है। तो आई होप हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।